और हम लोग का खाना आ गया है आज, देखिए मिला हुआ है अंडा करी और भात। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रमेश राज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, आप लोग पिछला वीडियो में देखे कि हम लोग दीदी घर आए थे, यानी संध्या का मम्मी का दीदी घर है, अपना बड़ी दीदी घर, तो मेरा भी दीदी हुए, तो वहीं पे हम लोग आए हुए हैं बहुत दिनों के बाद में। एक बार मंडा में आए थे और फिर अबर आए, अबर आए तो पूरा ये मतलब बन गया है। पहले आए थे तो नहीं बना था ना, तभी कुछ खाना में बनाए हुए हैं, तो चलते हैं हम लोग खा पी लेंगे और फिर चलेंगे घर ना। हम लोग भेंट मुलाकात हो गया, फिर अपना अपना काम काज भी है, तो उधर भी देखना है। संदीप को ऐसे भी छोड़ रखे थे तो घर में है अभी, हम लोग जाएंगे अभी खाना वाना खा के चलिए। और अभी का नज़ारा देखिए इस प्रकार है, शाम होने ही वाला है, मतलब 4 बजा है, तो 4 बजे का नज़ारा काफ़ी मस्त है। कुछ देर पहले बारिश हुआ था और उधर बकरियां खुटी हुई है, और इधर देखिए हरा भरा मस्त हरियाली है एकदम, जिधर देखिए उधर पेड़ ही पेड़ नज़र आता है, पूरा पेड़। तो चलते हैं, नीचे उतरते हैं और खाते हैं, लेट नहीं करते। फिर पानी मिल चुका है और नीचे लाइट नहीं है, इसलिए हम लोग फिर से छत में आ गए, यहीं पे खाएंगे फ्रेश से, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सब संध्या भी कितना अच्छा खेल रही है छत में, सीढ़ी वगैरह लगा है तो चढ़ने में दिक्कत नहीं होता है। हम लोग भी इसी तरह से बना लेंगे सीढ़ी, ऊपर चढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। सूरज भी सोया था, बारिश हो रहा था तो सो गया था, तभी धोने जा रहा है। उधर मत जाना, साइड वहीं पे धो, हाँ धो दो। और हम लोग का खाना आ गया है आज, देखिए मिला हुआ है अंडा करी और भात, चरक भात और लाल तिने पीला तिने। हम लोग का 2 आदमी का आ गया है और सूरज का नहीं आया है, और उन लोग वीडियो में थोड़ा नहीं आना चाहते हैं, थोड़ा शर्म लगता है ना। सूरज का भी खाना आ गया और खाना चालू कर दिया, कैसा लगा है सूरज? बहुत अच्छा। अच्छा लगा है ना, चलिए खाते हैं। और दीदी भी आ गए, उधर गए थे खेत तरफ, तो चलिए खाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग घर आ गए, हम और सूरज, संध्या और संध्या की मम्मी वहीं पे है ना। तभी सुबह सुबह खाना बना लिए हम लोग, और सूरज खा रहा है अभी, और संदीप खाना खा के चला गया स्कूल, संदीप को नहीं ले गया था इसलिए हम लोग घर आ गए। तो आने लगे तो सूरज भी बोला हम भी जाएंगे, इसलिए सूरज भी आ गया। और अभी पापा मम्मी लोग लाने जाएंगे ना? हाँ ले आएंगे उन लोग को, कहे कि जंगल है ना तो कल आने में डर लगेगा, इसलिए हम जाएंगे लेके आएंगे हैं। और धान उन भी लगाना है, थोड़ा बहुत लगा रखेगी, तुम घर में रहना है ठीक। और मम्मी देखिए यहाँ पे तुरपाई कर रही है, टूट टूट गया है। हाँ टूट गया है, बांध पे हाँ वो काम छूटे है यार, बढ़ाई तभी खाना उना खाएगी। अभी टोकरी ले लिए और बकरियों को निकाल के यहाँ पे खोद दिए, यहाँ पे चर चरते हैं, पाला दिया हुआ है। और गांव का नज़ारा है इस प्रकार से, देखिए उधर भैंस उस लेके आ रहे हैं नीचे वाला बस्ती का, और यहाँ पे बैल खुटा हुआ है घास। देख हम जा ही रहे थे कि अभी भतीजी इधर हैं, अभी निकले हुए अपना खेत देखने के लिए हम भी। हाँ इनका मकई का खेत यहाँ पे है, और क्या ही मस्त फूला हुआ है ये फूल, फूल पता नहीं इसका कांटा जब चुभता है ना तो बहुत जलन देता है, बहुत खतरनाक कांटा है। चलिए तब चलिए जा रहे हैं भिंडी तोड़ने। अच्छा। और इधर जाएंगे, और ये मुनगा का पेड़ काफ़ी मस्त साग है इसका, पूरा बालक बालक। यहाँ पे एक मुर्गी चल रही है सफ़ेद वाली। और हम लोग का पुराना घर ये है दोस्तों, जो कि पूरा गिर गया बारिश में, पहले से ही गिरा था लेकिन और गिर गया। और सर
सुरन का खेती मस्त आप लोग को दिखाए पिछले में भी और अभी भी काफ़ी अच्छा लगता है। और इधर हल्दी का खेती और ये नीम का पेड़ है मस्त है। और देखते ही देखते तो मस्त एकदम ये मकई का फसल भी हो गया अब तैयार हो गया। हाँ पूरा इतना बड़ा बड़ा हो गया देखिए मोछ आ गया कितना अच्छा लग रहा है। पूरा भिंडी तोड़ लिए और इतना सा हुआ दोनों मिलके तोड़े बहुत ही जल्द हो गया क्या। हाँ। एक कले तोड़ते तभी थोड़ा लेट लगता निकल गया एक नहीं मतलब छोटा टोकरी है। हाँ। ये टोकरी यानी इसमें 3-4 केजी हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा क्योंकि भिंडी हल्का होता है। हाँ। पूरा एक डल से चढ़ता है। तो चलिए अब उठाते हैं और चलते हैं घर। तो भिंडी को यहाँ पे रख दिए और भतीज को भी दे दिए भुंजिया खाने के लिए और इतना सा बचा हुआ है तो इसको झोली में डालेंगे अभी। डाल दे। हाँ डाले तो ले चलेंगे अभी मेहमान जाना है अभी। और अभी सूरज आ गया। चलो सूरज घर वो रस्सी ले लो और इसको हम उठाते हैं एक हाथ में टोकरी ले लेना। हाँ चलो। और सुबह सुबह पूरा खिली खिली धूप आ गया है दोस्तों काफ़ी फ्रेश लग रहा है। और इधर चील जो है सो अपना भोजन के तलाश में आ गई है। हाँ ये देखिए कैसे ऊपर ऊपर एकदम घूम के देख रही है पूरा आकाश में घूम रही है। हाँ चूहा हुआ पकड़ के और खाता है चील। और माँ भी खाना खा रही है पूरा सफाई कर दी है घर को इसी तरह से। चले रखते हैं यहाँ पे भिंडी को अब थोड़ा फ्रेश होते हैं। अब ब्रश नहीं किया है तो ब्रश भी कर लेंगे और थोड़ा दाढ़ी भी बढ़ गया है तो दाढ़ी भी बना लेते हैं और फ्रेश होके आते हैं। सूरज नहाएगा अभी चलो साथ में। गमला वगैरह सभी निकाल लिए सूरज भी जाएगा नहाने के लिए। चलो सूरज अभी धूप है तो अभी चल रहा है सोलर रखते हैं। चलिए दाढ़ी बनाते हैं आप ये कत्तू से बनाएंगे इसमें ब्लेड लगा हुआ है इस तरह से बनाते हैं। अब फ्रेश हो गए चलिए अब नहाते हैं नहा लिए और चल दिए घर। खाना निकाल लिए और आज खाना में देखिए भात और कच्चू और ये बोदी टमाटर मिला के बोदी। हाँ बोदी बनाई है सब्जी। चलिए खाते हैं खाना पीना खा लिए और बकरी सब यहाँ पे खुटा हुआ है तो ये सबको ले चलते हैं उधर मैदान की तरफ खोड़ देंगे चरते रहेंगे अभी मौसम भी अच्छा है। बकरी को खोल लिए और दो बकरियाँ को इधर खोल कर दिए आएंगे पीछे पीछे हमको आगे जाने दो इधर चले जाएंगे। तो दो पीछे आ रहा चलो हम इन सबको हम लेते हैं पीछे से। ये और भी बकरी इधर बैठे हुए हैं सूरज पीछे से खींचते आ रहा है। और इधर मैदान में देखिए कितने सारे बैल बकरियां दोस्तों अब चढ़ने लगे देखिए और पापा अभी कूटेंगे ना लंबा रस्सी में कूटेंगे उधर छाया में भी बैठेंगे और यहाँ चरेंगे। ये रस्सी छूट गया रहने दो। हाँ कैसे जा पाएंगे रहने दो वो वहाँ पे इधर कूटेंगे कूटेंगे
किधर लान रहे हैं पापा? यहाँ पे कुटेंगे, सक्कत झाड़ी है। ये बकरा भाग जाता है इसलिए सूरज खूट दे रहा है। यही ये रस्सी में मिला के बांध देंगे। देखो खुट पा रहा है कि नहीं, और यहाँ पे फंसा दे रहा है। और यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है जो कि रंगीन पानी है, बरसात वाला पानी है, इसलिए पूरा रंगा रंगा है एकदम, पूरा गंदा हो चुका है। हाँ गंदा पानी है। चलो सूरज घर। अब और इधर देखिए हरा हरा मुनगा का पेड़, काफी मस्त ना। चलिए घर हम लोग आ गए, और हम लोग का जितना भी काम था सभी कुछ निपटारा कर लिए, और अब चलने का तैयारी करते हैं। कपड़ा वपड़ा पहन के देखते हैं, अगर भतीजा वाला गाड़ी अगर होगा खाली तो आज गाड़ी से जाएंगे, नहीं तो फिर साइकिल से ही जाना पड़ेगा। सूरज तू ले जाएगा? हाँ। अच्छा हाँ, गाड़ी में भी है। और ये झोली में रखे हुए हैं अभी भिंडी। हाँ तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।